बेकसूर हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की जीआईटी रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाए। नामजद मुलजिमान अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा, जवाब अदालत में जमा करा दिया। कहा जीआईटी के पास मामला नैब को इरसाल करने की सिफारिश का जवाब नहीं। किस किस के बयान रिकॉर्ड किए गए बताया नहीं गया, मुफस्सिल जवाब कैसे दें, मुलजिमान का मौके। जीआईटी रिपोर्ट के बाद पीपल्स पार्टी ने अवामी राबते बढ़ा दिए। सिंध में तीन रोज में तीसरा जलसा, जियालो ने कश्मीर में पिंडाल सजा लिया। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। साई सरकार को कैसे हटाएं, पीटीआई और जीडीए अरकान असेंबली ने सर जोड़ लिए। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम के चैंबर में अहम इजलास, हुकूमत हटाने के मामलात पर गौर। पीपल्स पार्टी के 22 एमपीएस रابطے में हैं। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी पर पीपी में धड़े बन सकते हैं, हलीम आदिल शेख का दावा। मैंने कोशिश की कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे जो आज तालीम गाहें नहीं एक बिजनेस हाउसेस बन चुके हैं उनकी मैं इस्लाह कर सकूं। आपको पता है कि कितने कितने करोड़ रुपए लेके उन हॉस्पिटल्स की एफिलिएशन की गई। माँ बाप बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे थे सर, ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, ये है वो एक्सप्लॉयटेशन। निजी अस्पताल दर्जगाहें नहीं बिजनेस सेंटर बन चुके हैं। अस्पताल चलाना अदलिया का काम नहीं। बलूचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल की हालत अबतर थी, अल्ट्रासाउंड समेत कई आलात नहीं थे, आसामियां खाली थी। चीफ जस्टिस का लाहौर में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा क्या मसाइल पर सुमोटा लेना दायरे अख्तियार से तजावुज करना है या पानी की कमियाबी पर बात करना गलत है। मिनरल वाटर इशू पर नोटिस लिया, क्या मैंने खुद बोतलें बनानी है। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ मनशियात की तरफ जा रहे हैं। जनूबी पंजाब की सियासत का अहम तरीन दिन, तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास बहावलपुर में जारी। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में 20 निकाती एजेंडे पर गौर, अमन अमान की सूरत हाल पर भी इजलास तलब। खासकर घरों के भी अंदर भी गैस नहीं आ रहे हैं, वो भी लोग परेशान हैं। गाड़ियाँ पेट्रोल पे चला रहे हैं, भाड़े की गाड़ियाँ, तीन तीन चार चार दिन सीएनजी नहीं मिलती। हुकूमत के दावे हवा हो गए, कराची में गैस बहरान ने फिर सर उठा लिया। गैस प्रेशर में कमी के बायस सीएनजी स्टेशंस बंद, ड्राइवर और मुसाफिर परेशान। घरों में चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। लियारी, खारादर, गार्डन, बड़ा बोर्ड, पार्क कॉलोनी, नासाबाद, मेट्रोवेल, डिफेंस और क्लिफ्टन में गैस बंदिश से आवाम को मुश्किलात का सामना। होटल वालों का काम भी ठप पड़ गया, लकड़ी जलाने पर मजबूर। सनअतकारों की पीड़ से फैक्ट्रियाँ बंद करने की धमकी, एसएसजीसी ने बुला लिया। अली रजा आबदी कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है। वजीर आला सिंध ने एआरवाई न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी, कहा कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, तफसील नहीं बता सकता, एक अहम गिरफ्तारी हुई है। आईजी सिंध ने भी कह दिया एआरवाई ने चार अफराद को हिरासत में ले जाने की खबर नशर की थी। फूड अथॉरिटी की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, घर में बनी गैर मियारी मक्खन बनाने वाली दो फैक्ट्री सील, दस्तावेजात ना होने पर गोदाम आर्जी तौर पर बंद। पार्सल भेजना हो तो अब कोई मसला ही नहीं, डाक अमला ही घर बुला लें। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान पोस्ट के निजाम में जिद्दत लाने की ठान ली। पार्सल की बुकिंग के लिए अब एप्लीकेशन इस्तेमाल होगी। ट्रैक एंड ट्रेस ऐप का इफ्तिताह वफाकी वजीर मुराद सईद आज करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए तक कमी की तजवीज़, पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे सस्ता किया जाए। ओगरा ने हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपए कम करने की तजवीज़ दे दी, समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल।